तो दोस्तों हमने पता किया वाटरफॉल में कितना पानी है। अगर आप वहाँ पे सिर्फ नहाने जा रहे हो तो जो पॉन्ड में पानी है उससे आप नहा सकते हो, लेकिन आप व्यू के लिए जा रहे हो, झरने के व्यू के लिए जा रहे हो, तो आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ इट कि हम 1200 मीटर पैदल चलें चढ़ाई में और उसके बाद हमें सिर्फ एक लकीर सी दिखे पानी गिरते हुए हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धर्मेंद्र और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FTE। इट्स ऑल अबाउट फूड, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, दो दिन के इस सफर में मैं नैनीताल और मुक्तेश्वर की बहुत सी यादों को समेट कर निकल पड़ा वापस अपने शहर दिल्ली की ओर। कुछ अनुभव जलेबी की तरह मीठे थे और कुछ अनुभव थोड़े से अंगूर की तरह खट्टे, लेकिन इंसान अपने अनुभव से ही तो सीखता है। थोड़ा सा थक गया तो साथ दीजिएगा इस वीडियो में मेरा मुक्तेश्वर से दिल्ली तक, बने रहिए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मुक्तेश्वर और उसकी पहाड़ियाँ देखी ली थी, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस नैनीताल ट्रिप के पहले के एपिसोड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही मैं रामगढ़ पहुंचा तो मुझे फील हुआ कि मेरी बुलेट का ब्रेक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था और दिखा चुका था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी ब्रेक में, और भीमताल अभी भी 34 यानी 34 किलोमीटर दूर था, क्योंकि बाइक का मैकेनिक मुझे वहीं मिलता तो अगला मेरा टारगेट था भीमताल। तो दोस्तों, भीमताल लेक से जस्ट 200 मीटर पहले हमें बाइक का मैकेनिक मिल गया, और हमने पाया कि जो हमारे ब्रेक शू थे वो पूरे ख़राब हो चुके थे, तो ब्रेक शू चेंज करवाए और जो ब्रेक की प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था हल्द्वानी। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम भीमताल। देख पा रहे हैं आप सामने बिल्कुल ताल है, और ये मुझे ये ना नैनीताल से भी बड़ी लेक है यार। ये देखिए, बोटिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग आगे। ये देखिए साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में आप भीमताल लेक देख रहे होंगे। तो करीबन मैं 3 से 4 साल पहले यहाँ पे आया था अपने फ्रेंड राहुल के साथ। ये देखिए नीचे पार्टी हो रही है। ये लेक है और यहाँ पार्टी चल रही है। तो अब भीमताल से हम जाएंगे काठगोदाम, काठगोदाम से हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी में उसके बाद हल्द्वानी से जाएंगे रुद्रपुर से बिलासपुर रामपुर होते हुए मुरादाबाद होते हुए हापुड़ गाजियाबाद फिर दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली 300 किलोमीटर और हल्द्वानी 25 किलोमीटर है यहाँ से, 20 किलोमीटर यहाँ से काठगोदाम है, तो 300 किलोमीटर पार करना है हमें, और टाइम हो गया है 2:45। तो ब्रेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने यहाँ दिखा दिया था, और ब्रेक जो पैड्स होते हैं वो चेंज किए और नाउ परफेक्ट। ब्रेक इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर व्हीकल, सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, खासकर जब आप पहाड़ में चल रहे हो तो
पहाड़ में जब आप राइड कर रहे हो तो ब्रेक्स जो हैं वो लगाने ही पड़ते हैं मोड़ों में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैंने चेक करवाया तो जो पैड्स होते हैं वो पूरे ख़राब हो चुके थे, तो उसको मैंने चेंज करवाया। सो 25 किलोमीटर हल्द्वानी है, और उसके साथ साथ दिल्ली की बात करूं, अभी मैंने यहाँ बोर्ड देखा था, साइन बोर्ड देखा था, तो उसमें 299 किलोमीटर्स दिल्ली दिखाया था, तो लगभग 300 किलोमीटर ही मान लो। भीड़ भाड़ बहुत है पहाड़ों में, क्या है ना कि बच्चों की छुट्टियां हो गई है दिल्ली में, मतलब दो महीने की छुट्टी होती है, तो एक्चुअली जो भी मैंने यहाँ गाड़ियाँ देखी मोस्टली दिल्ली से ही थे, तो पूरी मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दिल्ली नैनीताल और मुक्तेश्वर घूमने आ गई है। मतलब 60-70% जो गाड़ियाँ थी वो दिल्ली की देखी मैंने, और यहाँ भी मैं दिल्ली की गाड़ियाँ बहुत देख रहा हूँ, भीमताल में भी। मतलब यह है कि लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, गर्मी ही इतनी है प्लेन्स में कि लोग कुछ टाइम के लिए पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली की गाड़ी, आप यहाँ को यहाँ भी देखोगे तो सीन अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई में हम अभी, वाह व्हाट अ व्यू, देखिए कितना ऑसम व्यू है। लुक एट दिस, तो भीमताल से हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, और ट्रैफिक यार ज़्यादा ही है, एक तो संडे और दूसरा ये है कि गर्मी भी है हल्द्वानी में, और लोग सैटरडे संडे जो भी वीकेंड्स हैं वो थोड़ा पहाड़ में जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए भीड़ भाड़ है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है, यहाँ के जो भी लोकल ड्राइवर्स हैं, चाहे वो पर्सनल गाड़ी हो या फिर कमर्शियल गाड़ी हो, मोड़ों में हॉर्न देते ही नहीं है यार, ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ी में हॉर्न ही नहीं है। और यहाँ तो हर मोड़ में हॉर्न देता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं है आगे से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ के ड्राइवर्स हॉर्न ही नहीं देते हैं, यहाँ के ड्राइवर्स हैं हॉर्न ही नहीं बजाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। तो बाकी आई एम एंजॉयिंग माय राइड, आई होप यू आर आल्सो एंजॉयिंग माय वीडियो। तो दोस्तों बस हल्द्वानी से थोड़ा पहले हम, काठगोदाम से थोड़ा पहले हम, और हमें ये रेस्टोरेंट दिखा तो सोचा कुछ खा पी लिया जाए, उसके बाद रुकेंगे नहीं, और चलिए कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही थी, सुबह वही मैगी और चाय पी थी हमने, और लेट्स गो, देखते हैं क्या है खाने का यहाँ पे। सो हिल्स व्यू है ये रेस्टोरेंट का नाम। So look at that river over there. तो दोस्तों लंच कर रहे हैं हम, और काठगोदाम से थोड़ा पहले हैं, और साथ में तो मैंने मंगाया है अपने लिए थाली, इसमें है राइस, दाल, सलाद, खीरे का रायता, आलू बीन्स की सब्जी और कड़ी मोटी, तो करवाते हैं एक लीजिए, एक मुझे देते, एक कोई बात नहीं, तो एक रोटी और ले ली मैंने। जल्दी से फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों लंच हमने कर लिया है और निकल पड़े हैं हम हल्द्वानी की तरफ, ठीक है। ओके गाइस लेट्स गो, लंच वाज अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी था और कॉस्टली भी नहीं था, 130 रुपीस की थाली जिसमें आपको दाल मिली, रोटी, चावल, सलाद, रायता, सूखी सब्जी और कड़ी, और सब कुछ अनलिमिटेड। सो दैट वाज द अमेजिंग डील।
तो मेरे पूरी ट्रिप में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लंच मैंने अभी किया है, और अब सीधे रात को ही खाऊंगा घर पे। कुछ देर बाद इन पहाड़ों को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है, भाई साहब बहुत लंबा जाम है। अपन के पास बाइक है, थोड़े खुश किस्मत हैं। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है देखिए, तो ये काठ गोदाम से पहले का जाम है। अगर अभी हम कार पे होते ना तो कम से कम 3 घंटा तो इस जाम को खुलने में लग जाता, कम से कम। क्योंकि ये अभी इस लेन से जाम है, और मुझे लगता है आगे जो है अपनी दूसरी लेन में जाम होगा। धीरे धीरे चुपके से मैं निकल रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है बहुत टाइम से ये लोग जाम में फंसे पड़े हैं। करीबन 2 किलोमीटर हो गए हैं इस जाम को, 2 किलोमीटर से गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अब आगे पता नहीं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, कुछ नहीं पता मुझे। I'm feeling bad for these guys. भाई आगे तो बाइकें भी रुकी हुई है। अब यार कैसे होगा अपना काम। बहुत ही बुरे सूरत हाल है भाई। चलिए वेट करिए, देखते हैं कब तक जाम रिलीज होता है। चलिए 5 मिनट वेट किया और हम तो निकल आए। अब भाई साहब कितना लंबा जाम है यार, और चलो जी लड़ाई भी स्टार्ट। भाई साहब लड़ाई भी हो गई है, ऐसे ही होता है, कोई आगे घुस जाता है तो लड़ाई होती है। बट यार थोड़ा ना पेशेंस रखना चाहिए, अगर कोई क्यू में है तो बीच में मत घुसो भाई। तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए होंगे इस जाम को। ओहो, निकलने दो भाई निकलने दो। मैं ना रीज़न देखना चाहता हूँ इस जाम का, कि इतने बड़े जाम का रीज़न क्या है। अच्छा तो ये है रीज़न। तो दोस्तों पुल के चक्कर में ये जाम लगा था, करीबन मिनिमम जो है 5 किलोमीटर के जाम तो हो गई। ये क्या है, एक तरफ से रिलीज़ कर रहे हैं, पहले ये गाड़ियां जाएंगी फिर वहां से 4-5 गाड़ियां भेजेंगे। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं हल्द्वानी, और यहां से हम जाएंगे रुद्रपुर की तरफ, और रुद्रपुर से रामपुर की तरफ।
करीबन 275 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली। एंड अरे भाई कैसे चला रहे यार। सो 275 किलोमीटर है दिल्ली, कम से कम 4 घंटे से ज़्यादा तो लगेगा हमें। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रुद्रपुर, और जस्ट रुद्रपुर ये गोल चक्कर पार किया है, इसके आगे आएगा रामपुर। और मेरे GoPro की बैटरी कभी भी डाउन हो सकती है, तो अगर बैटरी बची तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, नहीं तो सीधे घर पे मुलाकात होगी। तो दोस्तों जलजीरा पीने हम आए हैं और प्यास लग गई है। वही आंटियाँ जिनसे हमने शिकंजी पी थी नैनीताल की तरफ जाते हुए। तो दोस्तों मुरादाबाद पहुंच चुके हैं हम और 6 बज चुके हैं, तो बेसिकली 3 घंटे मिनिमम, 3 से ज़्यादा ही लग जाएगा, तो करीबन 3.5 घंटे और लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। 9:30 बजे तक शायद मैं पहुंच जाऊं अगर जाम ना मिले तो। तो चलिए चलते हैं। तो GoPro ने अभी तक लाज बना रखी है। GoPro की बैटरी अभी तक है और धूप भी हल्की हो चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी जब अंधेरा हो जाएगा। हवा चलेगी थोड़ी सी ठंडी, बिकॉज दिन के टाइम लू चलती है तो गर्मी और होती है। तो मुरादाबाद के बाद गजरौला, गढ़गंगा, हापुड़, गाज़ियाबाद और पार करना है हमें। एंड लगभग 150 किलोमीटर करीब होगा वैसे यहाँ से दिल्ली, शायद ज़्यादा भी हो, अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट हाँ 150 किलोमीटर से ऊपर तो होगा ही होगा। और अगर GoPro की बैटरी डाउन हो गई तो सीधे मुलाकात होगी घर पे। तो दोस्तों गजरौला पहुँच चुके हैं, पानी पीने के लिए स्टॉप लिया था सिर्फ 5 मिनट का, और चलते हैं। और बज चुके हैं 6:30, कोशिश करूँगा 9:30 बजे तक दिल्ली पहुँच जाऊँ, और हो सकता है पहुँच जाएंगे 9:30 बजे तक दिल्ली। फ्रेंड को भी छोड़ना है, उसके बाद अपने घर जाना है। और तो बैटरी अभी तक साथ दे रही है, तो इसलिए आपको अपडेट दे रहा हूँ, कभी भी बैटरी ऑफ हो सकती है। वैसे वीडियो में 3 बार बोल चुका हूँ कभी भी बैटरी ऑफ हो सकती है। सो लेट्स गो। अब जाके थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो अब मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। लगभग 11 घंटे हो गए हैं, सुबह 7:30 बजे निकला था होटल से और तब से राइडिंग ही चल रही है। बट यार आई एंजॉय माई जर्नी, हालांकि थोड़ा थक चुका हूँ, आई एंजॉयड अलॉट। तो चलिए मिलते हैं अब, अगर कोई स्टॉप लूँगा 2-4 मिनट का तो दिखाऊँगा कहाँ पर हूँ। बाकी गाज़ियाबाद में मिलते हैं अगर बैटरी ऑन रही। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर, और ये मेरा भांजा हर्षो। हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। कैसे हो आप? कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ बोलो। मैं भी ठीक हूँ। मामा के यूट्यूब को सब्सक्राइब करो बोलो। मामा को यूट्यूब सब्सक्राइब करो। तो गाइस मैं पहुंच गया था दिल्ली करीबन 9:15 बजे, लेकिन मुझे फ्रेंड को छोड़ना था तो मैं उसको छोड़ के आया, तो 10:30 बज गए थे। और नहा धो के अभी जस्ट आया हूँ, तो अब टाइम हो गया 11, तो 4 बजे हम हल्द्वानी थे, 9:15 बजे दिल्ली, तो लगभग 5 घंटे हमें लगे, 5 घंटे हमें लगे दिल्ली पहुँचने में। तो आधे से पौना 45 मिनट्स करीब मुझे अपने फ्रेंड को छोड़ने में लगे। तो बहुत थक चुका हूँ, अब डिनर करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।